ये तस्वीरें देखकर आप कभी भी अपने बच्चों को इन रास्तों से स्कूल न भेजें। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरिया के ग्राम पंचायत पाराडोल में अभिभावक मजबूर हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। साल 2013 से संचालित हाई स्कूल अपनी स्थापना से आज तक पक्की सड़क के लिए तरस रहा है। कच्ची व पथरीली जमीन में चलकर स्कूल आना जाना छात्रों व शिक्षकों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कच्ची सड़क होने के कारण बरसात में दिक्कतों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ फिसलन होने से बच्चे गिरते पड़ते अपने विद्यालय तक पहुँचते हैं। 1 किलोमीटर दूर से आते हैं, बारिश होता है तो कीचड़ उचड़ हो जाता है, आने जाने में परेशानी होता है और पानी वानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। 1-2 किलोमीटर दूर से आते हैं स्कूल में और कीचड़ हो जाता है, बारिश होता है तो यहाँ से यहाँ ठीक से रास्ता उस्ता नहीं है और स्कूल में भी नहीं है पंखा वगैरह, लाइट उइट भी नहीं रहता है और आते हैं उतना दूर से आने में थोड़ा दिक्कत होता है। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी वानी भी नहीं है, हैंडपंप पंप वगैरह है लेकिन पानी निकलता ही नहीं है यहाँ। लगभग 10 साल पहले ग्रामीणों की मांग पर तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा हाई स्कूल भवन का निर्माण करवाया गया था। कुछ महीने बाद इस नए भवन में हाई स्कूल का संचालन भी कर दिया गया, मगर मूलभूत सुविधाओं से जूझता यह विद्यालय इसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। मगर इन परेशानियों को दूर करने में न कोई अधिकारी और न ही कोई जनप्रतिनिधि अपनी रुचि दिखा रहे हैं और इसका खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है। कच्ची सड़क होने के कारण बरसात में दिक्कतों का सामना करना ज्यादा पड़ता है। यहाँ फिसलन होने से बच्चे गिरते पड़ते स्कूल तक पहुँचते हैं। जो है इसके लिए भी बहुत बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं लेकिन अब तक किसी का कोई सुनवाई नहीं होता। और बिजली भी यहाँ ट्रांसफार्मर बगल में लगा हुआ है जो बरसात में जो है ज्यादा परेशानी का कारण बनता है। लाइट कभी रहती है नहीं रहती है उसका भी कोई गारंटी नहीं है। और पानी का पीने के लिए जो है उसका भी समस्या है। यहाँ वाटर लेवल कम बता करके जो है व्यवस्था नहीं हो पाता है और अक्सर लाइट नहीं होने के कारण भी थोड़ा बहुत जो पानी मिलता है वो भी नहीं मिल पाता है। ग्राम पंचायत पाराडोल में संचालित हाई स्कूल भवन का निर्माण एजेंसी PWD को सौंपा गया था, जो मुख्य सड़क से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल भवन का निर्माण कराया गया। मगर इस स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण लगभग 10 साल बीत जाने के बाद भी नहीं कराया जा सका, जिससे दूर दराज से पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब मीडिया द्वारा ये मामला उठाए जाने के बाद क्या सड़क बनेगी या फिर ऐसे ही खतरों में बच्चों को स्कूल पहुँचने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कोरिया से सुरजीत सिंह रैना, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।